इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। चीन की टेक कंपनी शाओमी ने भारत में एमआई इलेक्ट्रिक टूथब्रश T300 लॉन्च किया है। कंपनी की वेबसाइट पर इसे 1299 रुपए में खरीदा जा सकता है। इसे क्राउड फंडिंग के तहत लॉन्च किया गया है। इसका मतलब ये है कि आप इस टूथब्रश को शॉप या फिर ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। अगर कंपनी को 1000 टूथब्रश के लिए फंडिंग मिलती है तो ही आप इसे खरीद पाएंगे। कंपनी अपने इस इलेक्ट्रिक टूथब्रश की डिलीवरी 10 मार्च से शुरू करेगी। फीचर्स की अगर बात की जाए तो कंपनी दावा कर रही है कि यह ब्रश 25 दिन के बैटरी बैकअप के साथ आता है। इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए USB-C टाइप एडाप्टर का इस्तेमाल करना होगा। ये IP7 वाटर रेजिस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि यूजर इसे पानी से वॉश कर सकता है, ये डैमेज नहीं होगा। प्लास्टिक ब्रश हेड होने के चलते इसे स्टोर करने में भी आसानी होगी। शाओमी ने इस इलेक्ट्रिक ब्रश में ड्यूपॉन्ट टाइनेक्स टैकलिन ब्रिसल्स दिए गए हैं, जो दो दांतों के बीच में जाकर सफाई करने में भी सक्षम है। और इस ब्रश में मैग्नेटिक लेविटेशन सोनिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि ये 1 मिनट में 31,000 बार वाइब्रेट करता है। इसमें 2 ब्रशिंग मोड उपलब्ध भी कराए गए हैं। इसकी डिजाइन काफी सिंपल है और इसे व्हाइट कलर वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। हालांकि अन्य ब्रशों के बीच आप अपना ब्रश पहचान सके, इसलिए कंपनी ने इसमें एक कलरफुल रिंग का इस्तेमाल किया है, जो 3 अलग अलग रंगों में उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में आप आसानी से पहचान पाएंगे कि आपका शाओमी इलेक्ट्रिक ब्रश कौन सा है और कौन सा ब्रश परिवार के अन्य सदस्य का है। तो दोस्तों, इस ब्रश पर आपकी क्या राय है आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।